सो वेलकम गाइज, यार कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब बढ़िया हो गए, ठीक है। और काफ़ी दिनों बाद मतलब मैं ऐसे कुछ वीडियो ला रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, और ये है एक कॉलेज रिव्यू, ठीक है। और आजकल मतलब काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि यार भैया वीडियो बनानी छोड़ रहे हो क्या, क्या चैनल बंद करना चाहते हो क्या, क्या मतलब चाहते क्या हो? तो मैंने कहा यार दोबारा स्टार्ट करते हैं कुछ, ठीक है। और मेरा मतलब काफ़ी दिनों से मतलब थोड़ा ऐसे चल रहा है कि नहीं बना पा रहा था वीडियोज़, होते हैं यार कुछ रीज़न्स होते हैं, बट ठीक है, वो गया, वो टाइम गया, वो फेस गया, अब दोबारा आते हैं उसी ट्रैक पे वापस, ठीक है। और अब ये मैं लेके आया हूँ यार एक कॉलेज रिव्यू, ठीक है। और कॉलेज रिव्यू तो मैं पता चल गया कि इस कॉलेज का यार जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज एक काफ़ी मतलब डिसेंट कॉलेज माना जाता है, अगर मैं सारे कॉलेज में अगर कंपैरिजन करके बताऊं तो, ठीक है। एक काफ़ी ज़्यादा एक डिसेंट कॉलेज है ये, ठीक है। और पहले ही मतलब मैं बनाता था, पहले ही बना करे हैं मैंने कुछ कुछ कॉलेज के रिव्यूज़ करे थे, बट सारे कॉलेजेस के नहीं कर पाया था, तो अब उन्हें थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। और इस बार कोशिश रहेगी कि यार मैं ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के रिव्यू कर पाऊँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ठीक है। तो इस कॉलेज मतलब इस वीडियो में अगर हम बात करने वाले हैं तो वो है जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, ठीक है। और मैंने बता ही दिया है बहुत डिसेंट क्राउड है इस कॉलेज का, डिसेंट है सब कुछ, मतलब सब कुछ एकदम मतलब वही मतलब इतना अच्छा कॉलेज भी नहीं कहूँगा और इतना बुरा कॉलेज भी नहीं कहूँगा। कुछ पॉइंट्स लाया हूँ, उन पॉइंट्स के बेसिस पे देखते हैं यार मतलब कैसा कॉलेज है, ठीक है। तो पहली बात तो यार ये नॉर्थ कैंपस कॉलेज है, और सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता ये नॉर्थ कैंपस है या नहीं है, क्योंकि कहीं लिखा होता है नॉर्थ कैंपस है और कहीं लिखा होता है नॉर्थ कैंपस नहीं है, ऑफ कैंपस में आ चुका है, राइट। बट और बाकी अगर इसकी बात करें तो यार इसका कैंपस का अगर साइज़ देखा जाए तो 43 एकर्स का इसका कैंपस है, काफ़ी ज़्यादा ही है अगर मतलब बाकी कॉलेजेस के अगर कंपैरिजन में बताऊं तो 43 एकर्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और मोटो ऑफ द कॉलेज मुझे सबसे अच्छा लगा, इनका मोटो ऑफ द कॉलेज जो लिखा होता है, मतलब हर एक कॉलेज का एक मोटो होता है कि वो क्या चाहते क्या है, ठीक है। तो इसका मोटो है, इस कॉलेज का मोटो है लिव बाय लव, ठीक है। कितना क्यूट सा मोटो है यार, मुझे बड़ा पसंद आया है मोटो, ठीक है। और लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यार लोकेशन ये है जवाहरलाल नेहरू मार्ग चांदनी चौक में, ठीक है। नहीं चांदनी चौक सब जानते हैं यार न्यू दिल्ली में, ठीक है। फेमस है, काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस जगह है, ठीक है। वहाँ पे है इसकी लोकेशन। अगर नियरेस्ट मेट्रो की अगर मैं बात करूँ तो यार वायलेट लाइन पे, दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन पे एक दिल्ली गेट करके एक मेट्रो स्टेशन है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा पास पड़ेगा ये कॉलेज, ठीक है, अगर आप जाना चाहो बाय मेट्रो, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी पुराने पुराने कॉलेज हैं उसमें से एक माना जाता है जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, राइट, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यार एक्रेडिटेशन है इसकी ग्रेड ए कॉलेज है बाई NAAC, ठीक है। और सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल है, मतलब साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, इन तीनों स्ट्रीम्स के सारे सब्जेक्ट्स इसमें मतलब सारे कोर्सेज तुम्हें अवेलेबल होंगे, ठीक है। UG अगर एडमिशन अंडर ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूँ तो वो होगी तुम्हारे बेस ऑन द बेसिस ऑफ CUCET, ठीक है, जो अभी चल ही रहा है, और फेज यार मतलब कट ऑफ शायद मेरे ख्याल से कट ऑफ 1 आ चुकी है, उसके अकॉर्डिंग सबको मतलब अलॉट हो गए होंगे उनके कॉलेजेस, ठीक है। तो वो बात है। और PG के अगर एडमिशन की अगर मैं बात करूँ तो यार इसमें DUET चलता है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो तुम्हें देना होगा अगर तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन चाहिए इस कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज यार प्रोवाइड करता है बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, मतलब जो अच्छा पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, प्लस फाइनेंशियली बैकवर्ड स्टूडेंट्स, जो मतलब यार मतलब काफ़ी स्टेट्स के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मतलब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं होती, तो उस चीज़ के लिए मतलब ये कॉलेज में मतलब बहुत सारी ऐसे स्कॉलरशिप है अलग अलग नाम की, वो तुम्हें कॉलेज की वेबसाइट पर दिख जाएगी, ठीक है। और अगर चाहोगे तो यार मैं एक वीडियो बना दूंगा स्पेशली हर एक कॉलेजेस की कि वो कौन से स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है, उसमें डिटेल में बता दूंगा कि ये सीन है ऐसा ऐसा है, ठीक है, तो उसमें मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज में यार एक करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट का सेल है। मैं मानता हूँ कि यार आजकल के सभी कॉलेजेस में करियर काउंसलिंग सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, वो अंडर ग्रेजुएशन करने के लिए आ चुके हैं, वो कोर्सेज ले चुके हैं, लाइक मी ऑल्सो, मुझे नहीं पता अंडर ग्रेजुएशन के बाद मुझे क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन किस में करूँ किस में नहीं, ठीक है। तो मेरे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं और वो एडमिशन ले लेते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता कि यार आगे मतलब उनके लिए क्या चीज़ बनी है, ठीक है। तो करियर काउंसलिंग सेल मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कॉलेज का, ठीक है, वो हर एक कॉलेज में होना ही होना चाहिए, ठीक है। प्लस प्लेसमेंट सेल है, प्लेसमेंट सेल है तो यार डरने की बात नहीं है, तुम्हारी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगी। अब ये नहीं कि यार तुम प्लेसमेंट मतलब ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लो जिसमें प्लेसमेंट होती ही नहीं, जिसमें अवेलेबल ही नहीं है प्लेसमेंट, और फिर तुम मुझे बोलो भैया आपने तो बोला था प्लेसमेंट होती है, यार होती हो नहीं रही है मेरी प्लेसमेंट, मैं वैसे ही बैठा हुआ हूँ, भाई उसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हारा कोर्स ही ऐसा है। अगर मैं अपने कोर्स की ही बात करूँ तो मैं भी उसी एक कोर्स में हूँ, ठीक है, जिसमें प्लेसमेंट नहीं होती ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। तो यार
दुख होता है यार, हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता ना उसे कोई दुख नहीं है, ठीक है। तो यार ऐसा नहीं है, अब लेना यार किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन लेना जिसमें तुम्हें प्लेसमेंट मिल सके, ठीक है। ऐसे वैसे कॉलेज मतलब ऐसे वैसे कोर्स में एडमिशन मत ले लेना जिसमें प्लेसमेंट ना मिल सके, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो ये एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का इकलौता ओनली कॉलेज है जो प्रोवाइड करता है तुम्हें बीए ऑनर्स इन पर्शियन एंड अरेबिक, ठीक है। तो यार मैं मानता हूँ कि ये कॉलेज एक ऐसा है कि जिसमें अरेबियन और पर्शियन के प्रोफेसर बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं। मतलब अगर तुम्हें पर्शियन एजुकेशन या फिर ये अरेबिक एजुकेशन में अगर जाना है, कुछ आगे करना है, तो ये बेस्ट कॉलेज रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ कौन सी कंपनीज़ आ चुकी हैं इस कॉलेज में, तो यार बहुत सारी मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज आ चुकी हैं, लाइक विप्रो हो गया, बार्कलेज हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, तुम्हारा जेनपैक्ट हो गया, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस हो गया, और इवन गूगल भी आ चुकी है इस कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए, राइट, ठीक है। फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यार लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी हर एक कॉलेज में होती है, फुल्ली एयर कंडीशन लाइब्रेरी है, ठीक है, और कलेक्शन ऑफ 1,10,000 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है इनकी कॉलेज की लाइब्रेरी में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा एक मतलब है कि मतलब कुछ तो है यार लाइब्रेरी में, ठीक है। प्लस काफ़ी ज़्यादा रीडिंग बुक्स हैं, अलग अलग लिटरेचर की बुक्स हैं, प्लस अरेबिक पर्शियन सारी बुक्स में वहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली हैं, ठीक है। दो रीडिंग हॉल्स हैं जिसकी मतलब दो रीडिंग हॉल है, वहाँ बैठ के तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर तुम पढ़ना चाहो तो मन होगा तभी जाओगे, ठीक है। वैसे कोई भी नहीं जाता लाइब्रेरी में, अलग अलग मतलब सबकी चॉइस होती है यार। मैं तो आज तक सच बताऊँ, मैं आज तक मुझे हो गए 8-10 महीने तो हो गए यार कॉलेज खुले, और शायद ही मैं 7-8 दिन गया हूँ बस लाइब्रेरी, ठीक है। तो सबकी अलग अलग इच्छा अनुसार वो जाते हैं, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो दो रीडिंग हॉल है वहाँ पे तुम बैठ के पढ़ सकते हो, एक रीडिंग हॉल की कैपेसिटी है 100 स्टूडेंट्स, तो मतलब अप्रोक्स 200 स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में अकोमोडेट हो सकते हैं, राइट। फैकल्टी की अगर मैं बात करते हो यार, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर, जैसे मैंने बताया पर्शियन और अरेबिक कोर्स के लिए हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स यहाँ प्रोवाइड कराता है ये कॉलेज। तो यार अगर तुम्हें करनी है अरेबिक और पर्शियन तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट 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 कॉलेज रहेगा, ठीक है। और आगे मतलब बाकी और कोर्स की बात करो तो बीए ऑनर्स के लिए, बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए, मतलब बाकी ज़्यादा जितने भी बीए के जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए परफेक्ट फैकल्टी है यहाँ पे, ठीक है। स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यार बोथ इंडोर एंड आउटडोर फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। कुछ कुछ कॉलेज में मैंने देखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिर्फ इंडोर गेम्स प्रोवाइड होते हैं, चेस खिला रहे हैं, कैरम खिला रहे हैं, बट आउटडोर मतलब जितने भी यार बेसिकली क्या होता है कि अगर एक स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है तो उसकी कुछ होती हैं एक्सपेक्टेशंस अपने कॉलेज से कि यार मुझे ये देखने को मिलेगा, मैं इस कॉलेज में ये अगर जा रहा हूँ तो मुझे ये फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, ये स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। तो इसमें इंडोर और आउटडोर फैसिलिटीज़ बोथ आर अवेलेबल। इंडोर में तुम्हें जूडो हो गया, टेबल टेनिस हो गया, चेस हो गया, कैरम हो गया, ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और अगर मैं आउटडोर की अगर बात करूँ तो गेम्स लाइक फुटबॉल अवेलेबल है, बास्केटबॉल अवेलेबल है, एथलेटिक्स अवेलेबल है। और मैं मानता हूँ कि सिर्फ कुछ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें मतलब आउटडोर फैसिलिटीज़ लाइक ये हो गया, क्रिकेट हो गया, तुम्हारा बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ओवरऑल मैंने सब कुछ बता दिया कैसा कॉलेज है। ओवरऑल मैं बताऊँ तो डिसेंट क्राउड है इस कॉलेज का, प्लस आसपास की जगह भी हैं घूमने वाली, तुम वहाँ पे विजिट कर सकते हो, सीपी हो गया यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा और भी जगह। अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो ये नहीं कि तुम सिर्फ अपने एक कॉलेज तक लिमिटेड हो, तुम निकलोगे यार, बाहर निकलोगे, अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करोगे, और यही दिल्ली यूनिवर्सिटी का मज़ा है, ठीक है। इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर बाहर की स्टेट से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो डिसेंट क्राउड है, आसपास कॉलेजेस भी हैं, और भी कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो डिसेंट क्राउड है, क्राउड काफ़ी ठीक है। बट अगर कंपैरिजन में अगर तुम मानोगे नॉर्थ कैंपस से, तो यार नॉर्थ कैंपस जितना क्राउड यहाँ पर नहीं है, राइट। तो डिसेंट कॉलेज है, अगर तुम्हें एडमिशन मिल रहा है, फर्स्ट कट ऑफ आ चुकी है CUET की, अगर तुम्हें एडमिशन मिल रहा है तो मैं प्रेफर करूँगा, मतलब मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि हाँ इस कॉलेज में तुम एडमिशन ले सकते हो। तो ठीक है यार, ये था आज का रिव्यू ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज का। अगर पसंद आया तो लाइक तो एक बनता ही है, और काफ़ी दिनों बाद यार स्टार्ट कराया दोबारा से, तो देखते हैं दोबारा मतलब कैसा कैसा रहेगा, और अलग अलग कॉलेजेस पे रिव्यू लाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप सबका सपोर्ट है यार, आप सबके सपोर्ट की वजह से इतना हूँ, और कुछ चेंज नहीं हुआ, जो पहले जैसे वीडियोज़ आती थी अब भी वैसे आएंगे, बस चेंज हुआ है तो ये चश्मा अब मुझे लग चुका है चश्मा, और यार मुझे बड़ा दुख हुआ, बट ठीक है यार कोई नहीं, झेल लेंगे यार इसे भी। मुझे मतलब मैं चाहता था पर्सनली कि मुझे मतलब स्पेक्स ना लगें, बट लग गया। काफ़ी ज़्यादा यार मतलब काम रहता है थोड़ा इन चीज़ों का, फ़ोन पे
लैपटॉप पे, तो इनकी वजह से लग जाता है, कोई बात नहीं, झेल लेंगे इस चीज़ को भी। बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ वैसा ही है। तुम्हें अगर कोई भी डाउट होता है तुम डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे भी आ सकते हो, वहाँ से भी पूछ सकते हो, राइट। प्लस मेरा फ़ोन नंबर इधर उधर इतर बितर है, तो अगर तुम्हारे पास हो तो तुम मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ भी पूछना हो, तुम्हारा भाई अब भी बैठा है, पहले ही बैठा था और आगे भी बैठा रहेगा, ठीक है। तुम निकाल सकते हो, तुम हर चीज़ कर सकते हो, बस तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, और चैनल पे बने रहिए। और प्लीज़ यार, अगर अच्छा लगता है ये चैनल तो यार प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो अपने जूनियर्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।